हरियाणा में जाट एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, मंथन शुरू हो गया है, रणनीति बनाई जा रही है। 29 जनवरी से धरनों की शुरुआत होने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें हिसार में एक बार फिर जाट आंदोलन की दस्तक के संकेत दे रही हैं। इस बीच अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक का बड़ा बयान आया। मलिक के मुताबिक 29 जनवरी से हरियाणा में अनिश्चितकालीन धरनों की शुरुआत होने जा रही है। जो बच्चे जेलों में बंद अभी है, जो घायलों को मुआवजा देना था और जो मृतकों को नौकरी की बात हो रही थी, वो सब जो शहीदों को के लिए जो सम्मान की बात थी, और इसी तरह से जो और मांगे हैं, जिस तरह से हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी की जा रही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ऐसी तमाम मांगों को लेकर ये 29 जनवरी से धरनों की 19 जिलों में शुरुआत होगी और ये धरने शांतिपूर्वक होंगे। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में जिन जाट समुदाय के युवकों पर केस दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की मांग हो रही है। सरकार को उसका वादा याद दिलाया जा रहा है। जब जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लेकर उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, जिन्होंने मिलिट्री और बीएसएफ और सीआरपीएफ पे अटैक किया, और जब गुजरात के पटेलों के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो यहाँ जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जो झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं, और सरकार ने वादा किया था कि किसी को झूठा नहीं फंसाया जाएगा, न उनकी री इंक्वायरी हुई और न ही उस पर कोई काम हुआ, तो इसको लेकर आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए रहेगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा यशपाल मलिक जाट समुदाय को एकजुट करने में जुटे हैं। 22 जनवरी को दिल्ली में जाट समुदाय की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में हम लोग 22 तारीख को मीटिंग करेंगे। दिल्ली में आंदोलन का क्या स्वरूप हो, मध्य प्रदेश में भी मैं जाऊंगा, मध्य प्रदेश में मीटिंग करेंगे, वहाँ किस तरह हरियाणा के जाट को समर्थन दिया जाए, और राजस्थान के लोग जो भरतपुर धौलपुर के लोग हैं, वे किस तरह से सहयोग करें, दूसरे राजस्थान के लोग, ये भी आसपास के राज्यों में बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ बीजेपी को ये बताया जाए कि जाट एकजुट है और उस पर हरियाणा में गोली चला के वहाँ वोट नहीं ली जा सकती। चुनाव वाले राज्यों में जाट समुदाय की टीमें जाएंगी। मलिक का कहना है कि बीजेपी को बताया जाएगा कि जाट एकजुट हैं, यानी विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय की ये नई रणनीति बीजेपी के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुसीबत खड़ी कर सकती है। हरिराम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार।